तो गाइस आज है आईपीएल का एल क्लासिको, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। इस वीडियो में आपको इस मैच के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लाइक टीम्स टॉस जीत के पहले क्या प्रेफर करेगी, पिच रिपोर्ट क्या निकल के आ रहा है, दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 क्या होने वाला है, एंड प्रेडिक्शन करूंगा जो कि कभी सही नहीं होता है, बट फिर भी सुन लेना। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में आईपीएल का सबसे बड़ा गिव अवे होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए। गाइस आईपीएल का सीजन पास आ चुका है और इस बार आईपीएल के सेकंड लेग में मैं सिर्फ और सिर्फ एमपीएल पर ही फैंटेसी क्रिकेट खेलने वाला हूं। इसके तीन रीजन है। फैंटेसी क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एमपीएल ने सीजन पास निकाला है, जिससे लेते ही आप करोड़ों के कॉन्टेस्ट में डिस्काउंटेड प्राइस पे एंट्री ले पाओगे, लाखों के ग्रैंड कॉन्टेस्ट में फ्री में एंट्री ले पाओगे। हाँ जी, फ्री में एंट्री। लिमिटेड पासेस है, मैंने ले लिया है, आप भी ले लो, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा रीजन ये है कि एमपीएल पर आप डेली 10 करोड़ तक कमा सकते हो। इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा करोड़पति बनने का। एमपीएल पर आईपीएल खेलो और डेली विनिंग्स के मजे लो। तीसरा रीजन भी आपको बता ही देता हूं। तो इस साल मैं एमपीएल पर आईपीएल खेलने वाला हूं, क्योंकि एमपीएल पर 99 तक टीम्स बना सकते हैं, बाकी फैंटेसी ऐप्स जैसा रोक टोक नहीं है। तो जितनी टीम्स चाहो उतनी टीम्स बनाओ, बिकॉज जितनी ज्यादा टीम्स होंगी चांसेस ऑफ विनिंग उतना ही ज्यादा होगा। कल मैंने 20 टीम बनाई थी, 16वीं टीम ने मुझे 10,000 जिताया था, आज मैं 22 टीम बनाने वाला हूं। आपको बना के दिखाता हूं कि एमपीएल पे टीम बनाना कितना इजी है। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, सो लेट स्टार्ट विथ टॉस। टॉस जीत के दोनों टीम्स पहले क्या प्रेफर करना चाहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि जो भी टीम टॉस जीतेगा वो आपको प्रोबेबली बॉलिंग करते हुए दिखेगा। बिकॉज अगर आप चेजिंग टीम्स का स्टैट्स देखो इधर तो बहुत अच्छा है, 10 मैच अगर होता है ना तो 6 मैच वही टीम जीतती है जो चेज करती है, तो ये एक बहुत अच्छा स्टैट्स है। 60% चेजिंग टीम मैच को जीतती है इस ग्राउंड पे। तो आज का जो मैच है, या फिर कह लो दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जो मैच होने वाला है, उधर जो भी टीम जीतेगा वो पहले आपको गेंदबाजी करते हुए दिखेगा। अब मे बी टीम्स का प्लान कुछ अलग हो सकता है, बट स्टैट्स के हिसाब से जो भी टीम टॉस जीतेगा वो आपको पहले बॉलिंग करते हुए ही दिखेगा। आते हैं जल्दी से हम पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि इस पिच पे, यानी कि दुबई के पिच पे, फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 156 का है, जो कि डिसेंट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बिकॉज T20 फॉर्मेट में 160 से नीचे मैं तो खराब मान। लेकिन हाँ, पिच पे भी बहुत कुछ डिपेंड होता है। हमने बहुत बार देखा है आईपीएल के फाइनल्स में ही, मुंबई और चेन्नई के मैच में ही, कि छोटा टारगेट करके भी मुंबई निकाल लेता है। तो पिच पे भी बहुत कुछ डिपेंड होता है। तो 156 आप कह सकते हो डिसेंट है, लेकिन ये पिच के लिए वो अच्छा खासा है। ऐसे T20 में देखो तो वो एक डिसेंट स्कोर होता है। मैं आपको बता दूं कि इस पिच पे सीमर्स को हेल्प मिलने वाला है कंपेयर टू स्पिनर्स को आपको ज्यादा हेल्प मिलते हुए नहीं दिखेगा, और ये हमें लास्ट टाइम भी देखने को मिला था आईपीएल में। आईपीएल 2020 की बात कर रहा हूँ, जब आईपीएल यूएई में हुआ था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि लास्ट टाइम जो टॉप 5 विकेट टेकर्स थे ना, उसमें से 4 पेसर्स थे, जहाँ तक मुझे याद है। बुमराह थे, रबाडा फर्स्ट पे थे, बुमराह सेकंड पे थे, बोल्ट थर्ड पे थे, एंड नॉर्थजे फोर्थ पे थे, एंड यूजी शायद फिफ्थ पे थे। तो सिर्फ एक ही स्पिनर था टॉप 5 में। तो इससे पता लगता है कि इधर पेसर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आई होप कि इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी फोर श्योर जॉस हेजलवुड को लेकर खेलेंगे। तो ये अभी के लिए पिच रिपोर्ट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे सीमर्स को हेल्प मिलने वाला है, यानी कि मुंबई का आप कह सकते हो पलड़ा भारी रहेगा, बिकॉज उनके पास ज़्यादा क्वालिटी सीमर्स हैं। आगे चले तो बात करते हैं हम प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 के बारे में। देखो, लास्ट वीडियो बनाया था, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया था कि ESPN क्रिक इन्फो के हिसाब से फाफ डुप्लेसिस अवेलेबल होने वाले हैं। देखो, अवेलेबल होने वाले और खेलेंगे उसमें डिफरेंस होता है। अवेलेबल होने वाले हैं, लेकिन ये मैंने आप सभी को कहा था कि अगर फाफ डुप्लेसिस को ऐसा लगता है कि मैं 1% भी इंजर्ड हूँ, तो वो खुद ही कह देंगे कि नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। या फिर चेन्नई को ऐसा लगता है कि वो थोड़े बहुत इंजर्ड है, तो चेन्नई उनको रेस्ट देगा। अभी देखो, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मुंबई से जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आईपीएल जीतना? फोर शोर सभी कहेंगे आईपीएल जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मान के चलो डुप्लेसिस थोड़े बहुत इंजर्ड है, 90% फिट है मान के चलते हैं, 10% इंजरी है और उनको खिलाते हैं, वो इस मैच को खेल लेते हैं, और इस मैच में जो इंजरी है 10% वो बढ़ के 50% हो जाता है, तो फिर उसके बाद 4-5 मैचेस उनको मे बी मिस करना पड़े, या फिर वो रूल्ड आउट हो जाए, तो जिसके कारण चेन्नई को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप डुप्लेसिस को एक मैच रेस्ट दे दो। वैसे भी हम
बहुत अच्छे सिचुएशन में है। अगर हम एक मैच हार भी गए तो ऐसा कोई फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं, हम इजी क्वालिफाई हो जाएंगे और फिर प्ले ऑफ्स में जाके, मतलब ट्रॉफी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एक मैच से कुछ नहीं जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डुप्लेसिस को रेस्ट देना चाहिए अगर वो थोड़े भी अनफिट है तो, एंड पता यही लग रहा है कि मे बी वो आपको नहीं खेलते हुए दिखेंगे, बट वो अवेलेबल है तो मे बी खेलते हुए दिख सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग आज सीएसके के ओपनर्स होने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़ एंड रॉबिन उथप्पा, नंबर 3 पर आएंगे मोइन अली, नंबर 4 पे सुरेश रायना, नंबर 5 पे अंबाती रायुडू, नंबर 6 पर इस टीम के कप्तान विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी, नंबर 7 पे सर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पे ड्वेन ब्रावो, नंबर 9 पर शार्दुल ठाकुर, नंबर 10 पे दीपक चहर एंड नंबर 11 पर मैं फोर शॉट चाहूंगा कि जॉस हेजलवुड आए। देखो अगर आपको नगीडी को खिलाना है तो ब्रावो की जगह पे खिलाओ, हेजलवुड को बाहर मत करो, बिकॉज मेरे हिसाब से वो इस मैच में मैच विनर का काम कर सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। एंड मे बी आपको जब मैं कल वीडियो बनाऊँ तो वहाँ पे ऐसा देखने को मिले। आगे चलते हैं मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 की तरफ। तो मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 11 होने वाला है रोहित शर्मा एंड क्विंटन डीकॉक। मैं आपको बता दूँ रोहित शर्मा कमाल के फॉर्म में और क्विंटन डीकॉक उससे भी ज़्यादा। ये मुंबई के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है यार कि दोनों ओपनर्स कमाल के फॉर्म में। क्विंटन डीकॉक फेज 1 के इनिशियल मैचेस में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी वो कमाल के फॉर्म में थे इंटरनेशनल में। आगे चले तो नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, ये तो हमेशा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। नंबर 4 पे ईशान किशन, नंबर 5 पे आपको देखने को मिल जाएंगे कैरन पोलार्ड, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या जो कि फेज 1 में फॉर्म में नहीं थे एंड श्रीलंका में भी ऐसा कुछ खास फॉर्म में दिखे नहीं थे, आई होप कि इधर अच्छा परफॉर्म करेंगे। नंबर 7 पे कुरुणाल पांड्या, नंबर 8 पे आपको देखने को मिलेंगे नेथन कुल्टर-नाइल, नंबर 9 पर देखने को मिलेंगे राहुल चहर, नंबर 10 पे हमें देखने को मिलेंगे जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पर आने वाले हैं नटबोल्ट टेन बोल्ट। तो ये होने वाला है प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस का। बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा है अगर आप दुबई के पिच के अकॉर्डिंग देखो तो, बहुत सारे पेसर्स हैं, इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन है, तो अनडाउटेडली वैसे मुंबई हमेशा डेंजर ही दिखता है। आगे चलते हैं प्रेडिक्शन की बारी आई। अब देखो ये बात तो मानना पड़ेगा कि चेन्नई का दो प्लेयर, जो दो मेजर प्लेयर्स है फाफ डुप्लेसिस एंड सैम करन, दोनों नहीं खेल रहे हैं। सैम करन का मैंने नहीं बताया, अगर मेरे चैनल को फॉलो नहीं करते हो तो वापस से बता देता हूँ, वो अवेलेबल नहीं है, वो क्वारंटाइन है, तो ये मैच को वो मिस करने वाले हैं, नेक्स्ट मैच से वो अवेलेबल हो जाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि देखो दो मेजर प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, और अगर आपको याद होगा ये दोनों प्लेयर्स ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया था। फाफ डुप्लेसिस ने आई गेस हाफ सेंचुरी लगाया था मुंबई के अगेंस्ट, एंड सैम करन ने भी बॉलिंग से अच्छा किया था जब पोलार्ड ने मैच को वन साइडेड कर दिया था, तो उस टाइम पे सैम करन ने कुछ विकेट्स वगैरह लिए थे। तो दोनों प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सैम करन तो कभी बॉलिंग से बैटिंग से कुछ भी कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है। वहीं पर अगर मुंबई को देखो तो मुंबई का बेस्ट प्लेइंग 11 है, उनका एक भी प्लेयर इंजर्ड नहीं है, तो ये मुंबई के लिए बहुत अच्छी बात है और मुंबई के प्लेयर्स भी फॉर्म में है, तो इस हिसाब से मुंबई का पलड़ा भारी पड़ रहा है। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन ये होगा कि जो टीम यहाँ पे टॉस जीतेगा और जो टीम पहले बॉलिंग करेगा, यानी कि जो टीम चेज करेगा, वो मेरे हिसाब से इस मैच को जीतेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज दोनों टीम का बैटिंग लाइनअप देखो, चेन्नई के पास नंबर 10 तक बैटिंग लाइनअप है, जो मैंने आपको प्लेइंग 11 बताया उसमें से अगर आप हेजलवुड को हटा के 10 को देखो, सब कमाल के फॉर्म में है। फॉर्म की बात नहीं है, मतलब सब बैटिंग कर सकते हैं। अगर आप देखो तो ब्रावो तो बैटिंग करते हैं, हम सभी को पता है। शार्दुल अभी टेस्ट में क्या किया था, हम सभी को पता है। चहर ने श्रीलंका के अगेंस्ट क्या किया था, हम सभी को पता है। तो 10 तक बैटिंग है। मुंबई के पास जाओ तो मुंबई के पास नेथन कुल्टर-नाइल तक ईजी बैटिंग है, यानी कि 8 तक बैटिंग है। तो मेरे हिसाब से टोटल डिफेंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। देखो मुंबई का बॉलिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चेन्नई के पास 10 तक बैटिंग है। चेन्नई का बैटिंग बॉलिंग लाइनअप उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मुंबई के पास 8 तक बैटिंग है। तो मेरे हिसाब से जो टीम टॉस जीतेगा, बॉलिंग लेगा, वो आपको इस मैच को जीतते हुए दिखेगा। अब आप में से कुछ लोग जीत सकते हैं MPL का गिव अवे, जिसमें फोन विराट कोहली की सिग्नेचर वाली मर्चेंडाइज है। नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करो एंड सिंपली स्टेप्स फॉलो करो एंड आपकी एंट्री गिव अवे में हो जाएगी। एंड अभी के लिए छोड़ो इतना ही, तो अभी के लिए बस इतना। आई होप आपको ये ब्रॉच लगी होगी, तो कमेंट्स में लेकर बताइए कैसे, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए, ताकि मैं जैसे अगले वीडियो में नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगले वीडियो के लिए वेट करना है।